शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले इंदौर की खबर पर चर्चा। मुस्लिम युवतियों को हिंदुओं के प्रति आगाह करने वाले विवादित पर्चे बांटने के बाद से ही विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से अब ये बयान, मुस्लिम बेटियां अब हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं जब, तो उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर हम साथ में रखते हैं। इसके साथ उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल को काफिर बताने पर कहा है कि ये पर्चे बेबुनियाद है। ये सब पर्चे बेबुनियाद हैं। यदि मुस्लिम बेटी हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती है तो सनातन परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति आजीवन उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर पूरे जीवन बहुत ही मान सम्मान और प्रेम के साथ रखते हैं। तो मंत्री उषा ठाकुर की तरफ से बयान आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि पूरे पर्चे बेबुनियाद थे। साथ ही साथ जब जब मुस्लिम युवती या मुस्लिम लड़की गृह लक्ष्मी बनकर आती है तो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति उसका ख्याल रखता है जीवन भर। इसके क्या कुछ मायने अब निकाले जा रहे हैं, इस पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। सही कि अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, पर्चे बांटे गए, विवाद बढ़ा और अब मंत्री उषा ठाकुर की प्रतिक्रिया का क्या कुछ मायने इसके? बिल्कुल, देखिए इंदौर में कुछ दिन पहले ही ये पर्चे बांटे गए कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिंदू लड़कों से सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह के पर्चे इसलिए बांटे गए क्योंकि इंदौर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें बजरंग दल लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रहा है और इसी से बौखलाकर ये पर्चे बांटे गए हैं। विवादित पर्चे ये किसी मस्जिद के पास बांटे जा रहे थे, हालांकि इस पर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन पर्चे की जो भाषा है उसमें असंघ और बजरंग दल को काफिर बताया गया है और कहा है कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के अपने जाल में फंसा सकते हैं, प्रेम जाल में फंसा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 800 लड़कियां जो हैं वो हिंदू लड़कों के जाल में फंस गई। इस मामले को लेकर उषा ठाकुर मुखर हो गई हैं क्योंकि उसमें जो शब्द यूज किया गया वो भगवा लव ट्रैप। इस मामले में जब उषा ठाकुर से बात की गई तो उषा ठाकुर हिंदूवादी छवि की नेता है, फायर ब्रांड नेता मानी जाती है, अपने बयानों से अक्सर वो चर्चाओं में रहती हैं और उन्होंने लव जो ट्रैप है, भगवा लव ट्रैप है जो इन्होंने इस पर्चे में नाम दिया, उसके समर्थन उन्होंने किया और कहा कि जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो वो उसको गृह लक्ष्मी बनाकर रखता है, उनका पूरा सम्मान करता है। ये भी हम समझ लेते हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया है। आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह जी, बहुत स्वागत आपका करती हूँ न्यूज 18 पर। पर्चे बांटे गए, विवादित भाषा का उपयोग आरएसएस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ था, लेकिन अब मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि अगर मुस्लिम युवती हिंदुओं के घर आती है तो गृह लक्ष्मी बनाकर रखा जाता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है, इस तरह के पर्चे बांटना और साथ में प्रदेश में मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर इस मामले में जिम्मेदार पाया जाता है तो ऐसे मामले में सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई भी गतिविधि में अगर ऐसा व्यक्ति लिप्त हो तो क्या वो मंत्री पद पर रहने के योग्य है? इसका जवाब शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहिए। ये बेहद गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के मामले की निंदा करती है। सभी समाज, सभी संप्रदायों को समान रूप से सम्मान, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। किसी भी समाज के खिलाफ इस तरह के पर्चे नहीं बांटा जाना चाहिए और इस मामले में पुलिस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, उनके इंटेलिजेंस को स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के पर्चों के पीछे कौन है और अगर ये पर्चे कभी बड़ा रूप लेके कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति में पहुंचते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने के लिए समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बीजेपी की तरफ से भी हम जवाब लेंगे। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अजय सिंह जी लगातार कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब इस पर? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कभी भी अगर हिंदू बेटी मुसलमान के साथ विवाह करके गई है तो उसका जो हश्न हुआ है या तो वो सूटकेस में पाई गई है या फिर आप जानते हैं कि लव जिहाद का शिकार होकर ISIS के जैसे संगठनों में उसको शामिल होकर सुसाइड बॉम्बर बनना पड़ा है। पर वहीं अगर मुसलमान बेटी हिंदू धर्म में आई है तो आप एक उदाहरण बता दीजिए कि उसकी इस प्रकार की दुर्गति हुई हो। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो एक एजेंडे के साथ धर्मांतरण करवाया जाता है और जो एक स्वेच्छा के साथ होता है उसमें मूल अंतर क्या है?
हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, वो किस ओर चलते हैं, और दूसरी ओर जो फॉरेन फंडिंग आती है और हिंदू बेटियों को बहला फुसला के जिस तरीके से अपने टारगेट पे किया जाता है वो किस तरफ है, बहुत स्पष्ट कारण है। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने हमेशा ध्रुवीकरण के एजेंडे को अपनाया है, इसलिए चाहे बेटी ISIS का शिकार बने या वो सिर्फ बॉम्ब बनकर, सुसाइड बॉम्ब बनकर अपनी जान को जान दे दे, उस पे कभी भी कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न अजय जी का ये है, नेहा जी, कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि पर्चे बांटने वाले के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि बयान तो लगातार सामने आ ही रहे हैं। देखिए, इसकी अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है कि इस प्रकार के पर्चे बटे हैं, नहीं बटे हैं, किसने बांटे हैं, पर निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और जिसने भी इस प्रकार के पर्चे बांटे हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पर स्पष्ट मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस ने आज तक स्टैंड क्यों नहीं लिया, केवल अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए। कांग्रेस एक तरफ तो बहुत बोलती है और दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं बोलती, मौन साध लेती है, क्योंकि उसके लिए ओसामा जी है, उसके लिए हाफिज साहब है, उसके लिए शांति का दूत जाकिर नायक है। ये कारण क्या है, कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है, जवाब अजय जी। नेहा जी ने जिस तरह की बात करी, अगर हिंदू बेटियों के साथ ये सब कुछ हुआ है तो इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। आपकी सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाई क्योंकि आपका राजनीतिक एजेंडा सेट। केरला में किसकी सरकार थी? हिंदू बेटियों के खिलाफ के मुख्यमंत्री ने कहा करने वालों के ऊपर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन विवाद जरूर तूल पकड़ता हुआ। बहुत शुक्रिया आपका नेहा बग्गा जी जुड़ने के लिए। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण भी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बात अगली खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। दिल्ली दौरे पर आज